ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करने वाले लोगों का दावा है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो ईश्वर अल्लाह भगवान की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी से पत्ता हिलता है, उनकी मर्जी से हवा चलती है। यानी ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वो नियंत्रण करता है ईश्वर अल्लाह गॉड। दूसरी ओर जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं उनका दावा है कि हमारे जीवन को नियंत्रित करता है ग्रह रत्न आदि। यानी हमारे जीवन में जो कुछ होता है, आसमान में जो ग्रह है, सूर्य है, चांद है, मंगल है, ऐसे ग्रह हमारे भाग को नियंत्रण करता है। हम बड़े होके डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे, वह भी आसमान का ग्रह, सूर्य, नक्षत्र आदि नियंत्रण करता है। अब सवाल है, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे भाग को नियंत्रण करता है, ईश्वर अल्लाह गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है, तो बीच में यह ग्रह रत्न या नक्षत्र कहाँ से आ गए? अगर ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे भाग को नियंत्रित करता है तो ज्योतिष शास्त्र बेकार है। ग्रह रत्न या आसमान के सितारे, सूर्य, चांद हमारे भाग को नियंत्रित करता है, एक कोरी कल्पना है, झूठ है। दूसरी ओर अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारे भाग को नियंत्रित करता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चांद, मंगल, नक्षत्र आदि, तो ईश्वर हमारे भाग को नियंत्रित करता है, ये बात झूठ साबित होगी। ऐसे में आप ईश्वर विश्वासियों या ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करने वाले लोगों को यह तय करना पड़ेगा, ये सिद्धांत लाना पड़ेगा कि आपके भाग को नियंत्रित कौन करता है, ज्योतिषी करता है, ज्योतिष शास्त्र करता है या ईश्वर अल्लाह गॉड करता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं वे ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं। एक ओर भगवान अल्लाह का नाम लेते हैं तो दूसरी ओर ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाते हैं, अपना भाग ज्योतिषी के द्वारा बदलने की कोशिश करवाते हैं। इतना ही नहीं, जो ज्योतिषी आपको भाग बदलने के लिए ग्रह रत्न तावीज कवच इत्यादि देते हैं, आसमान में सूर्य चांद मंगल की बात बताते हैं, ऐसे ज्योतिषी भी जब समस्या में पड़ते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। लेकिन इससे यह साबित होता है कि ज्योतिषी भी ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास नहीं करते, ईश्वर अल्लाह गॉड नामक किसी कल्पना पे विश्वास करते हैं। कल्पना इसीलिए कहा गया क्योंकि हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी, हम रैशनलिस्ट ईश्वर अल्लाह गॉड पर विश्वास नहीं करते हैं, इसे एक कल्पना, अंधविश्वास, अफवाह बताते हैं। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र को हम ठग शास्त्र बताते हैं। और जो ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी के भाग बदलने की दावा करता है वो ज्योतिषी एक नंबर का पाखंडी, चीटिंगबाज होता है। सवाल है, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, हमारे भाग को नियंत्रित करता है, तो ज्योतिष शास्त्र बेकार है। दूसरी ओर अगर ज्योतिष शास्त्र हमारे भाग को नियंत्रित करता है तो ईश्वर अल्लाह गॉड बेकार साबित होगा। लेकिन हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं। हम युक्तिवादी या तर्कवादी के नजर में ईश्वर अल्लाह गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक अंधविश्वास, अफवाह और कल्पना है। हम इंसानों ने अपनी मर्जी से ईश्वर अल्लाह गॉड का रूप रंग बनाया, हम अपनी मर्जी से ईश्वर अल्लाह को गढ़ा है, उनकी कल्पना की है, वास्तव में ईश्वर अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से हम इंसानों ने ही ज्योतिष शास्त्र की रचना की है और कुछ पाखंडी ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों को ठगने के लिए दुकान खोल कर रखे हैं, ज्योतिषी को दुकान खोल कर रखे हैं। इन ज्योतिषों के पास किसी के भाग बदलने की रत्ती भर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी ताबीज कवच ग्रह रत्नों द्वारा आपके भाग के बदलने की कोशिश करता है और उसमें विफल होता है तो उस ज्योतिष के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सवाल यही खत्म नहीं होता है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड हमारे भाग को नियंत्रित करता है, हमें चलाता है, तो हम युक्तिवादी नास्तिक या तर्कवादी लोगों के मुंह से क्यों ईश्वर अल्लाह भगवान अपना गुणगान क्यों नहीं करवा पा रहा है, क्यों हम युक्तिवादी नास्तिकों द्वारा पूजा पाठ करवा पा रहा है। उल्टा हम युक्तिवादी या तर्कवादी विज्ञानवादी ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे, उन्हें अंधविश्वास कल्पना या अफवाह बता रहे हैं। अगर ईश्वर होता तो हम जैसे नास्तिक नहीं होते, सभी लोग आस्तिक होते। हम नास्तिक है इस बात से यह साबित होता है ईश्वर अल्लाह गॉड वास्तव में नहीं है, यह एक कल्पना है, अंधविश्वास है, अफवाह है।